फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी अपलोड्स। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनके रेडी हो जाती है बिना किसी घी, ऑयल या फिर बटर के। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से सैंडविच बनाना सिखाऊंगी और दोनों ही तरीके में मैं कोई भी घी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल ऑयल फ्री सैंडविच बनके रेडी होने वाली है। तो अगर आप डाइट पर हैं तो आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सैंडविच बनके रेडी हो जाती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत ही कम टाइम में बनके रेडी हो जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि सैंडविच हमें कैसे बनानी है बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस का सबसे पहले पता लग सके। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पतला कपड़ा लिया और उसके ऊपर मैंने आधा लीटर दही डाल ली है। और कपड़े को इस तरीके से पकड़ लीजिए और दही में से सारा पानी हमें रिमूव कर लेना है। बिल्कुल कपड़े को हल्का हल्का हाथों की हेल्प से इस तरीके से दबाएं और सारा पानी इसमें से निकाल लीजिए। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। सारा पानी निकाल लीजिए दही में से। और देखिए, यहाँ पर मैंने दही में से सारा पानी निकाल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं दही किस तरीके से बन गई है। तो अब इस दही को मैं एक बोल में डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के रेडी होंगी। बहुत ही हेल्दी सैंडविच हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट में खाएं इसे। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इस सैंडविच को खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और डाइट भी साथ के साथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज बिल्कुल हटा लिए हैं, एक कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ली है, एक अनियन यानी कि प्याज ली है, एक गाजर ली है, एक खीरा लिया है और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा टुकड़ों में शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं इसे चॉपर की हेल्प से। यहाँ मैंने प्याज को भी छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है और इसी तरह हम टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हरी मिर्च को भी कट कर लीजिए। और यहाँ पर मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ। तो गाजर को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप लोग अगर कोई और सब्जी ऐड करना चाहें जो आप खाना पसंद करते हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर कद्दूकस कर ली है तो इस गाजर को भी अब मैं बोल में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने गाजर को बोल में ऐड कर लिया है। इसी तरह अब मैं खीरा जो मैंने लिया था मैं उसे भी कद्दूकस कर रही हूँ। खीरा भी यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है। खीरा हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे बोल में। सबसे पहले खीरे को हम हाथ में लेंगे और उसमें से पानी रिमूव कर लेंगे खीरे का। हाथों की हेल्प से इस तरीके से निचोड़ लीजिए इसे और फिर खीरे को बोल में डाल दीजिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और जो हमने दही में से पानी रिमूव किया था अब मैं यहाँ पर वो सारी दही ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दी है। अब हम ये सारा कुछ मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे मसाले, सब्जी और दही है। तो अच्छे से एक साथ इसे मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर इसे मैंने मिक्स कर लिया है एकदम अच्छे से। बहुत ही टेस्टी मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। आप लोग चाहें तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड बहुत हेल्दी होती है इसीलिए मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। तो अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है और जो मिक्सचर हमने रेडी किया था अभी बोल में वो मिक्सचर इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी लेनी है ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल भर भर के क्वांटिटी ली है क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है ये मिक्सचर और सैंडविच खाने में बहुत मज़ा आता है जब मिक्सचर अच्छे से डला हो। तो अब क्योंकि हमें सैंडविच बनानी है तो मैंने इसे एक ब्रेड से कवर कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने यहाँ पर सैंडविच बना दी। तो यहाँ मैंने दो सैंडविच बनाकर अभी रख ली है और अब हमें बारी है कि हमें इन्हें सेकना कैसे है।
बिल्कुल अनफ्राइड बनाएंगे हम इन्हें, ना ही घी, ना ही बटर, ना ही ऑयल, कुछ नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ मैंने एक तवा लिया है और उसके ऊपर मैंने इस सैंडविच को रख दिया है। यहाँ मैं इसे एक प्लेट से ढक रही हूँ, आप लोग किसी प्लेट या थाली से भी ढक सकते हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे सिकने दीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए इसे एक साइड से सेकें और फिर दूसरी साइड से भी उतनी ही देर के लिए सेकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे दोनों साइड से सेक लिया है। 3 से 4 मिनट में ब्रेड सिक कर एकदम रेडी हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अनफ्राइड सैंडविच बनाई है हमने और इतनी अच्छी दिख रही है, इतने अच्छे से सिक गई है। तो यहाँ मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आपको, एकदम क्रंची सैंडविच बन के रेडी हो गई है। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है जो हमने रेडी की है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो दूसरी सैंडविच हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ग्रिल्ड सैंडविच बन के रेडी होने वाली है। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगेंगी और हमारी सैंडविच रेडी। तो अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं और बिल्कुल 30-40 सेकेंड्स में बन के ये रेडी हो जाएगी। यहाँ भी मैंने कोई भी ऑयल, बटर या घी नहीं यूज़ किया है। तो देखिए सैंडविच कितना अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम सैंडविच को निकाल लेते हैं। तो मैं आपको ये सैंडविच भी कट करके दिखा देती हूँ, ये भी एकदम मस्त बन के रेडी हुई है। आप लोग देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन से अच्छे से पक चुकी है बिल्कुल, और बहुत क्रिस्पी लगती है ये तो खाने में। आप सबको पता ही है कि सैंडविच मेकर की बनी हुई सैंडविच का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है, एकदम परफेक्ट बनी है ना। तो आप सैंडविच मेकर में बनाएं या फिर तवे पर बनाएं, दोनों ही तरीके से सैंडविच बहुत टेस्टी बनने वाली है, बहुत अच्छे से सीख जाएगी, बहुत इजी प्रोसेस है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।